उससे पहले गाइस आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, सभी लोगों के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये रैंक सीजन आए हुए 10 दिन हुए हैं, तो 10 दिन में जो भी आपका बेस्ट गेम है डुओ सोलो स्क्वाड मोस्ट किल वाला गेम आपको अपने YouTube पे अपलोड करना है, मुझे टैग करके @unraduategamer मेरे को टैग आ जाएगा, मैं आपका वीडियो देख लूंगा। और जिस भाई का मोस्ट किल के साथ सबसे बढ़िया गेम प्ले लगेगा मैं उस पे दूंगा रिएक्शन, मैं नहीं मानता, वीडियो में दूंगा पूरी में या शॉर्ट में कैसे भी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका अपना गेम दिखाने के लिए, जितने भी लोग बोलते हैं कि मेरा गेम देखता नहीं बहुत अच्छा, ठीक है। तो चैलेंज एक्सेप्टेड है या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरी नजर नहीं पड़ती है भाई चांस तो इंस्टा भी है, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो याद से टैग कर देना। गाइस अभी आप क्या देख रहे हो, 17 बंदे 16 बंदे अलाइव है और अपने तीनों बंदे स्वर्ग सुधार गए, क्या बोलते हैं, स्वर्गवास हो गया उनका, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आयुष भाई की वीडियो देखी, आप लोग ने भी आयुष भाई की वीडियो देखी होगी, तो आयुष भाई ने दिया चैलेंज, ठीक है, और मेरा स्कोर भी ग्रैंड मास्टर है, और मेरे दो गेम प्ले ऐसे है गाइस, मैं जो स्क्वाड में पुश कर रहा था, मेरा स्कोर भी ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, मैं स्क्वाड में पुश कर रहा था और लास्ट में गाइस मेरे को सोलो में मतलब भूये निकालना पड़ा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, वो दो गेम ऐसे थे जिसमें मैंने 11 किल किए और एक गेम ने मैंने 5 किल करके बुये निकाला, ठीक है, मतलब ये दो गेम ऐसे थे जो मैंने ओपी तरीके से बुये निकाला। तो दोनों गेम में मैं कौन से सिचुएशन पे था वो बहुत फनी भी था, बहुत मतलब अलग ही लेवल का गेम प्ले वहाँ पे मेरे खुद को एक्सपीरियंस करने को मिला। तो चलिए मैं आप लोग का वो गेम मैंने जो सेव किया है वो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये गेम है 5 किल बुये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं नीचे की तरफ एक किल चोरी करने आया था, लेकिन मेरे पास ना वॉल थी और यहाँ पे मेरे को बहुत तगड़ी वाली पड़ रही थी दो दो तरफ से, और मैं कुछ कर नहीं पाया इस टाइम पे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कैसे भी करके डाउन करके ख़त्म कर दिया एनिमी ने। अब हमारे टीम में बचे दो बंदे, पिकाचू भाई और मासूम भाई, और मासूम भाई भी अभी डाउन हो जाएंगे देखना अभी, और अब अकेले बच्चे पिकाचू भाई। और मैं पिकाचू भाई को बोला भाई कैसे भी करो मेरे को रिवाइव करो, और बुगिये निकालने की जिम्मेदारी मेरी, और जोन आप लोग देख सकते हो कितना छोटा हो गया है। यहाँ पे पिकाचू भाई को पूरी स्क्वाड यहाँ पे देखना क्या गंदा वाला पेलने वाली है, यहाँ से पीछे से पूरी स्क्वाड आई है। पिकाचू भाई गाड़ी लेकिन निकलने की ट्राई करेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी फोड़ दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई पूरी स्क्वाड एक साथ मारेगी तो गाड़ी तो भाई फूटनी ही है। तो यहाँ पे देखना क्या गंदा वाला पिकाचू भाई रिवाइव करते हैं जैसे तैसे, और ये गेम में फिर लास्ट में मैं अकेला बचता हूँ और मैं क्या बुये निकालता हूँ। देखो गाइस इस तरीके से यहाँ पे पिकाचू भाई हमको रिवाइव करने गए जोन में वो भी, और चलो फाइनली मेरे को तो रिवाइव कर दिया है पिकाचू भाई ने। और जोन आप लोग देखो गाइस इस लास्ट थर्ड जोन में मैं अभी रिवाइव हुआ हूँ, मेरे पास अभी कुछ लूट नहीं है आपको तो पता ही है, और थोड़ी देर मैंने यहाँ पे गाइस लूटने के बाद मेरे को M4A1 Mac-10 और G18 है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस मैंने हवा में शैडो भाई को चंपत कर दिया है, मतलब हवा में लाल कर दिया है उस बंदे को। और यहाँ पे देखो किल तो चोरी कर लिया पिकाचू भाई ने, अब यहाँ पे पिकाचू भाई भी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पीला टट्टी मतलब पीले कपड़े लगा के आया हुआ है बंदा, और यहाँ पे गाइस अब मेरे पास ना एमओ की कमी होने वाली है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अभी तो आप लोग को पता है जस्ट रिवाइव हुआ हूँ, अब मेरे दो किल से तीन हो गए, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास भाई किल नहीं है और ना ही एमओ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्वाइव कर करके यहाँ पे टॉप 4 में आ चुका हूँ मैं, और देखना सामने वो बंदा है उसको मैं एम लेके हेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी ज़्यादा एमओ नहीं है। अगर मैं इस पर फायरिंग करूँगा तो लास्ट में जो दो बंदे हैं ना वो मेरे को ईजिली मार देंगे, इसलिए मैंने जैसे तैसे सर्वाइव किया। और यहाँ पे राइट से आ रहे दो बंदे, ठीक है, तो ये डुओ है, सामने एक सोलो बंदा है और मैं अकेला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किस तरीके से यहाँ पे जोन में जा रहा हूँ और बुये निकालता हूँ, ये गेम देखना भाई अनबिलीवेबल था उस टाइम पे ये गेम। जो मेरे को जितने बंदे देख रहे थे भाई 15 लोग, वो भी बोलेंगे क्या बुये निकाला है इस, और मेरे टीममेट तो भाई पिकाचू भाई का रिवाइव जो मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया। अभी देखना वो दो ऊपर वाला बंदा उस पर रस करेगा तो मैं इस पर ईजी पर रस करने वाला हूँ, ठीक है, नीचे वाले पे ड्रॉप वाले के ऊपर। वो बंदा उसको मार दिया है क्रेजी बॉय नाम से, तो यहाँ पे देखना अभी मैं इसको डाउन करूँगा, अभी इसको मैं फटाफट से ख़त्म कर देता। अब मेरे पास आने वाली है एमओ की कमी, ठीक है। वो बंदा आया, मैं यहाँ पे G18 लेके फटाफट लूटने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। G18 से 110 का हेड दे सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे फायरिंग नहीं किया क्योंकि मेरे को पर्याप्त लूट नहीं थी, ठीक है। अभी मैं उसको घुमा घुमा के वहाँ पे लूट रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं है गाइस, Mac-10 की एमओ नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे लूटा फिर से, और गाइस मैंने यहाँ पे दो लैंडमाइन लगा दिए, अब देखना। और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ ओपी वाला, ठीक है।
और यहाँ पे देखो क्रेजी बॉय गया। और गाइस यार गेम में ये एक सिस्टम आना चाहिए भाई, मतलब बुए किया मैंने, लास्ट बंदे को मारा भी लेकिन वो आया नहीं, ठीक है, मतलब बुए नहीं दिखाता है और ना इसमें एमओ दिखाता है। ये दो चीज़ अगर इम्प्रूव कर दे करी ना तो और भी अच्छा। और यहाँ पे कैसे ये दूसरा गेम प्ले है जिसमें मैंने 11 किल बुए निकाला था, और अभी आप लोग बंदे देखो 13 बंदे अलाइव, और मेरे बंदे जो मेरे टीममेट्स थे वो टॉप 35, मतलब 35 बंदे अलाइव थे तब से मरे हुए हैं। और मेरे पास कोई टोकन वोकन कुछ था नहीं, और यहाँ पे आप लोग जोन देख सकते हो कितना छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस मैंने किल चोरी करने की ट्राई की क्योंकि यहाँ पे दो बंदे डाउन थे, लेकिन गाड़ी में ऐसा सीन होता है ना कि अपन बंदे को 200-300 का भी गाड़ी से उड़ा के डैमेज दे तो वो बंदा जोन में जाके एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे दूसरी गाड़ी भी आ गई सामने से, ठीक है, अभी देखते हैं। देखो तो यहाँ पे गाइस वो दो किल तो मैं चोरी नहीं कर पाया पीछे से, और यहाँ पे गाइस अभी मैं इस एक बंदी को उड़ाता हूँ, 106 का डैमेज देता हूँ, ठीक है। इसकी पार्टनर ऊपर से आने वाली है, देखना अभी इसको मैं जैसे तैसे डाउन तो कर देता हूँ। अभी ऊपर से मेरे को बहुत तगड़ी वाली पड़ने लगती है, तो आई डोंट नो गाइस वो बंदी क्या नशे कर रही थी या फिर मैं नशे कर रहा था। अब वो अंदर आई मेरे को मारने के लिए, अब मेरे को बाहर जाना था, मैं बाहर नहीं गया, और वो उसको अंदर रहना था और वो बाहर चली गई, मतलब समझ रहे हो। वो मारने के लिए अंदर आई थी लेकिन बाहर भाग गई, और मेरे को बाहर भागना था लेकिन मैं अंदर बैठ के हीलिंग कर रहा हूँ। फिर देखना अभी यहाँ से बंदी आएगी और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा फटाफट से, गाड़ी के पास जाने की ट्राई करूँगा क्योंकि गाड़ी अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 बंदे और पता नहीं इसमें कितनी स्क्वाड अलाइव है, एक ऊपर है फिर एक पूरी, तो पूरी स्क्वाड जिंदा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना आपके मजनू भाई क्या हैवी ड्राइवर बनते हैं, ठीक है। अभी देखना इसमें कितने बंदे उड़ाता हूँ, ये एक गया, ये दो गया, ये तीन गया, तो मैं गाइस यहाँ पे किल कंफर्म करने के लिए नहीं रुकता क्योंकि वो तीन बंदे नीचे एक, और यहाँ पे गाइस ये देखो ससुरा का नाती रूक वाइट 444 की ओला, यहाँ पे भाई सोया हुआ था, इसको लगा हम नहीं देखेंगे, हमने देख लिया और इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने देख लिया था। मेरे टीममेट्स भी बोल रहे थे मजनू भाई वो पत्थर के पास कुछ हिल रहा है, मैंने भाई उसको हमेशा के लिए सुला दिया, समझ रहे हो। तो गाइस यहाँ पे एक एक बंदा जो मेरे पे ना रश करने की ट्राई करता है, और यहाँ पे मेरी हेल्थ ना बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब बहुत कमी हो जाती है, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब मैं जैसे तैसे मेडी मार रहा होता हूँ, अब गाइस 4 बंदे अलाइव, मतलब अभी भी हम टॉप 3 में हैं, ठीक है, एक नहीं सॉरी गाइस हम अभी भी टॉप 4 में हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बंदे हैं, सभी बंदे सोलो बचे हुए, और यहाँ पे मैं क्या बुए निकालता हूँ, ठीक है। अभी नीचे की तरफ फाइट हो गया, और यहाँ पे देखो शहजादा ने एक को चंपत कर दिया, मतलब एक को खत्म कर दिया, और यहाँ पे मैंने द किंग को खत्म कर दिया, और यहाँ पे एक बंदा बचा है, ठीक है। ये सब दिखाता है ना गाइस जो गेम प्ले सेव करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगता यार। मेडिकेट मार दौड़ते दौड़ते मेडिकेट दिखा रहा है। तो गाइस ये गेम भी मैंने बुए निकाला, आप लोग देख सकते हो 11 किल बुए, तो ये वही गेम प्ले है। तो गाइस इस तरीके से भाई ये दो गेम प्ले ना मैंने बहुत ओपी लेवल, अलग ही लेवल के मैंने जो बुए निकाले थे अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक है। तो आयुष भाई का चैलेंज तो मैंने देखो भाई करके दिखाया, मतलब ये दो गेम प्ले ऐसे थे जहाँ पे बहुत तगड़ी माइनस लगती लग सकती थी क्योंकि वहाँ पे गाइस मैं मर चुका, मतलब पूरी टीम में मर चुकी थी, और मैंने जैसे तैसे बुए निकाला, ठीक है। तो बस मैं अब आप लोग के ऊपर है गाइस, आयुष भाई तक वीडियो पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आप लोग को वीडियो को अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो, जो मैंने इंटरेस्टिंग लेवल जो इंटरेस्टिंग थी पूरी मैच, दो दोनों मैच मैंने 6-23 से बुए निकाला है, तो आप लोग किसी बंदे ने ऐसे बुए निकाला है तो कमेंट में ज़रूर से बताना। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके शेयर कर देना।